सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में इस्लामी तालीमात क्या है, आइए देखते हैं। सफ़र कुछ नहीं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में वहमी ख्यालात को गलत करार देते हुए फरमाया, ला सफ़रा, यानी सफ़र कुछ नहीं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5707। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं, अवाम इसे यानि सफ़र के महीने को बलाओं, हादसों और आफतों के नाजिल होने का वक्त करार देते हैं। ये अकीदा बातिल है, झूठा है, इसकी कोई हकीकत नहीं। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की पहली रात कौन से नवाफिल पढ़ने हैं और माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कैसे गुजारना है, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, माह सफ़र यानि सफ़र का महीना भी साल के दूसरे महीनों की तरह एक बाबरकत महीना है, लिहाजा इस महीने में भी गुनाहों से बचते हुए खूब खूब नेक आमाल कीजिए, नफली रोज़ों का अहतमाम कीजिए, नवाफिल और ज़िक्र दुरूद की कसरत कीजिए और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से मुतअल्लिक हमारे बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि अलैहिम से जो औरात और वज़ाइफ मनकूल हैं उन पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ढेरों भलाइयाँ नसीब होंगी। चुनाचे पहली रात के नवाफिल, माह सफ़र की पहली रात में नमाज इशा के बाद हर मुसलमान को चाहिए कि 4 रकात नमाज पढ़ें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून यानि कुल या अय्युहल काफिरून 15 मरतबा पढ़े और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास यानि कुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतबा पढ़े और तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक यानि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 15 बार पढ़े और चौथी रकात में सूरह नास यानि कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास 15 मरतबा पढ़े। सलाम फेरने के बाद चंद बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़े, फिर 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह पाक इसको बड़ा सवाब अता फरमाएगा और उसे हर बला से महफूज रखेगा। ये विर्द किताब राहतुल क़ुलूब सफ़ा नंबर 61 पर लिखा हुआ है। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए और इस हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी मिलती रहे। तो अच्छी बात है, दूसरों तक पहुंचाना सवाब जारिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, दोस्त अहबाब में, फैमिली में इसको शेयर कीजिए। कोई भी इंशाल्लाह इस पर अमल करेगा, आपको भी सवाब मिलेगा और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इस पर अमल करें और ढेरों ढेर भलाइयाँ हासिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।